ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या हाल चाल? ठीक ठाक। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास एट के सब्जेक्ट साइंस चैप्टर टू के ऊपर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। बहुत सारे वीडियो इस पे मैंने पहले भी दिया है, जो लोग भी इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं उन सब वीडियो को देखते हुए आगे बढ़े, और मैं बड़े स्लो मोशन में इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आई होप आप सबको समझ में भी आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो मेरा नंबर मैंने दिया है उस पे आप कमेंट्स भी लिख रहे हो, इस पे भी खुद भी वीडियो पे कमेंट्स लिख रहे हो, समझ में आ रही है वो मुझे भी पता चल रहा। बहुत हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शिकायत बहुत कर ली, पूरे कस के इसकी शिकायत कर दिया, इतने शिकायत किया कि अभी तक हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के निगेटिव पॉइंट देखते आ रहे हैं। एक बार भी बेचारे की बड़ाई मैंने नहीं किया है ना, शिकायत ही कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा बड़ाई के ऊपर चलते हैं, इसकी बड़ाई भी थोड़ा कर ले, इसको समझ ले कि हमारे लिए तो अभी तक हम लोग, कहने का मतलब कि हम लोग फो के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग थोड़ा सा इसके फ्रेंड के होने पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड के होने का डिस्कस करने का मतलब इसको ये भी समझ लीजिए कि ये फ्रेंड आखिर रहते कहां है, ठीक है, कहां रहते हैं, मतलब वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एमओ का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म लंबे लंबे हम लिख लिए, अब जहां भी एमओ लिखा हो इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, ठीक है, कहां रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहां है, तो जरा इसको गौर से देखिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां रहते हैं। देखिए कहां रहते हैं, एयर में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, फूड में रहते हैं, क्लॉथ में रहते हैं, बॉडी के ऊपर रहते हैं, माउथ पे रहते हैं, है ना, माउथ में रहते हैं, हैंड के ऊपर रहते हैं, ठीक है, शूज में रहते हैं, सॉक्स में रहते हैं, सॉक्स में रहते हैं, ठीक है, आइस में रहते हैं, सैंड में रहते हैं, ठीक है, प्लांट पे रहते हैं, पॉन्ड में रहते हैं, रिवर में रहते हैं, ठीक है, ग्लेशियर में रहते हैं, ठीक है, सी में रहते हैं, ओशन में रहते हैं, माउंटेन पे रहते हैं, माउंटेन पे रहते हैं, डिजर्ट पे रहते हैं, डिजर्ट में रहते हैं, डेड सी में रहते हैं, एसिड में रहते हैं, बेस में रहते हैं, न्यूट्रल वैल्यू में रहते हैं, हर जगह रहते हैं। आप कहोगे सर सीधा सीधा बोल दीजिए ना कि हर जगह रहते हैं, अब मैं बोल दे रहा हूं कि ये हर जगह रहते हैं, इवन हमारे माउथ में भी 350 तरह के बैक्टीरिया रहते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे बॉडी के अंदर कहां बैक्टीरिया नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, हम कह सकते हैं कि इट इज यूनिवर्सल, हर जगह है ना, यूनिवर्सल है, हर जगह है, कहां नहीं है इसको हम नहीं कर सकते कि ये कहां नहीं है। आप समझ के चलिएगा कि हर जगह कोरोना है, ये भी एक फायदे की बात है, हर जगह है, इसलिए हर जगह बच के रहिएगा, इसीलिए हैंड वॉश किए जाते हैं, तो हैंड वॉश भी इसीलिए करते हैं क्योंकि वहां पे है, कपड़े में है, बॉडी में है, दूसरे के बॉडी में है, अपने बॉडी में, हर जगह हो सकता है। अब हमको ध्यान रखना है, बाहर रहे तो रहे, हमारे अंदर ये जो यूजफुल बैक्टीरिया ही जाए, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही जाए, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा तो फिर हमारा क्या करेगा, वही मेरे लिए फो बन जाए। ये रही बात कि ये कहां कहां रहते हैं, तो ये रहने के ऊपर रही, आप समझ गए होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां कहां रहते हैं। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, अब हम लोग चलते हैं इसके यूजफुल थिंग्स के टॉपिक, ये रहते कहां, इसके घर का हम आपको बता दिए पता, आप अपना इसके घर चले जाइएगा, ठीक है, पार्टी वार्टी हो तो अपना जाइएगा, कहां इसका घर है हम सब जगह बता दिए हैं, आप अपना पहुंच जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पहुंचिएगा वही जो यूजफुल हो। बहुत बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है, हालांकि जो हमारे डिजीज, जो बैक्टीरिया डिजीज फैलाने का काम करता है उसको हम कहते हैं पैथोजेन। क्या कहते हैं? जो बैक्टीरिया डिजीज फैलाएगा, जो माइक्रोनियम डिजीज फैलाएगा उसको हम पैथोजेन कहलाते हैं। देखिए पैथोजेन की भी एक कहानी थोड़ी सी अलग है, ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव का थॉट दिया है,
जो ग्राम निगेटिव होगा वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव होगा वो हमारे लिए ही हार्मफुल होगा। ग्राम निगेटिव मेरे लिए हार्मफुल नहीं, ग्राम निगेटिव हमारे लिए यूजफुल है। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक नारियल है, कोकोनट है, तो कोकोनट के ऊपर एक हार्ड वाला लेयर होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक येलो कलर का लेयर होता है डस्ट टाइप का, इसी में फाइबर टाइप का कुछ कुछ मिला होता है जिसके रस्सी बनाए जाते हैं, लिंक बनाए जाते हैं, आपने पढ़ा, और सबसे ऊपर एक आउटर लेयर होता है, ठीक है। तो ये नारियल इसी तरह का होता है, चार लेयर का होता है। इस नारियल को नारियल नहीं समझ के आप समझ लीजिए कि बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। नारियल को आपको खाना है तो क्या करेंगे, पहले तो इस चारों लेयर को हटाएंगे तभी तो नारियल को खाएंगे ना, बिल्कुल तभी खाएंगे। तो ये बैक्टीरिया तो मेरे लिए यूजफुल है, लेकिन वो बैक्टीरिया जिसके ऊपर ये लेयर सब मौजूद है इसको हमारा बॉडी के अंदर जाने के बाद तोड़ नहीं पाएगा। तो जब ये लेयर होगा उस बैक्टीरिया के ऊपर तो इसी को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्लियर है ना? और जिस पर ये लेयर नहीं होगा उसको हम कहेंगे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। क्या होगा? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये ग्राम इसीलिए कहा जा रहा है, ग्राम मतलब ये 100 ग्राम 150 ग्राम नहीं है, ये ग्राम एक साइंटिस्ट के नाम है, उन्हीं के नाम के आधार पर रिकॉग्निशन पे ये पॉजिटिव और निगेटिव रखा गया है। तो अब जब लैक्टोबैसिलस जैसे दही को फ्रीज करने के काम करता है वो, तो लैक्टोबैसिलस मेरे लिए यूजफुल है, यानी कि वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ये पैथोजेंस नहीं है। लेकिन जिस बैक्टीरिया के ऊपर ये लेयर बना होगा उसको हम लोग कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इस लेयर के नाम भी है, हालांकि आपके इस सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। इस चारों लेयर में जो पहला लेयर है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, जो पहला लेयर है ये है डेक्सट्रीन का बना हुआ है ना, दूसरा जो लेयर है वो डेक्सट्रॉन का बना हुआ है ना, डेक्सट्रीन, डेक्सट्रॉन, और तीसरा जो लेयर है वो सेलुलोज का है, सेलुलोज का है, और चौथा जो लेयर है वो टेरॉन का है। किस चीज की? टेरॉन का। डेक्सट्रीन, डेक्सट्रॉन, सेलुलोज एंड टेरॉन का ये चार लेयर बने होते हैं। जिसपे भी ये लेयर बना हुआ है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया, वो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और वो मेरे लिए काफी हार्मफुल होगा। आई होप आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव समझ में आ गया। सिलेबस में नहीं है फिर भी आप इतना जान लीजिए, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बीमारी फैलाएगा, ग्राम निगेटिव नहीं फैलाएगा, और जब जो बीमारी नहीं फैलाएगा तो फिर उसको हम खाएंगे तो विटामिन मिनरल भी मिलेगा। तो इसको आगे हम लोग समझते हैं कैसे हमको फायदा पहुंचाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा फटाफट इसके फ्रेंड्स के होने के ऊपर डिस्कस कर ले, बेचारे की शिकायत इतना कर दिए कि उग गया होगा, थोड़ा सा इसकी दोस्ती भी कर ले, इसके हम पॉजिटिव इम्पैक्ट को भी समझ ले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे डेली लाइफ में कहां कहां है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, पहला जो है इसके बेनिफिट आप लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंड। कैसे मेरे दोस्त हैं, जरा इस पॉइंट को पहले इसको देखिए, पॉइंट को हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ कथी बनाने में, कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, है ना, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, ठीक है। आपने देखा होगा लैक्टोबैसिलस नाम सुना होगा, लैक्टोबैसिलस है ना, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस दही जमाने में जो बैक्टीरिया का नाम आएगा उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अब ब्रेड बनाने में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज C6H12O6 में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं तो ये क्या बनाता है, बोलिए, C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस CO2, ठीक है, प्लस एनर्जी बनाती है। तो अब ये
ब्रेड बनाने में और केक बनाने में आपको ये स्पॉन्ज ही बनाना है। तो जहां भी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा बैक्टीरिया के हेल्प से, इसमें ईस्ट आपका फर्मेंटेशन कराएगा और इसमें CO2 बनेंगे, और जहां जहां भी CO2 बनेंगे वो खाली जगह वहां एयर आ जाएगा तो खाली बना देगा उसको। बस जब हम हीट करते हैं तो वो जगह खाली हो जाता है और वो स्पॉन्ज ही दिखता है। तो ये स्पॉन्ज और ब्रेड बनाने में इसका काम हुआ। हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, फिर भी अभी हम सिर्फ पॉइंट के ऊपर आज डिस्कस कर रहे हैं, या पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने के बावजूद भी आपको समझ में आ जाएगा कि कर्ड ब्रेड और केक बनाने की प्रोसीजर आपको नहीं समझना है, सिर्फ आपको समझना है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज होते हैं। ये हो गया। दूसरा पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज ठीक है टू मेकिंग ऑफ कथी बनाने में बताइए, अल्कोहल वाइन, ठीक है एंड एसिटिक एसिड। आप कहिएगा कि अल्कोहल सर तो हार्मफुल चीजें हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा है, बाद में बताएंगे, इतना फायदा भी अल्कोहल का है पूछिए मत, लेकिन आप हंसेंगे, लेकिन अभी हम बताएंगे नहीं, बाद में बताएंगे अल्कोहल का कितना बड़ा फायदा है, ठीक है, उसके भी फायदे और नुकसान दोनों है। तो दो पॉइंट हो गया माइक्रोऑर्गेनिज्म के यूज में, एसिटिक एसिड लैग वगैरह में बहुत यूज होता है, वाइन अल्कोहल का कितना बड़ा यूज है सो देखते ही है, ठीक है, 70% टैक्स गवर्नमेंट को मिल जाती है, फिर बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये दो पॉइंट रहे आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म के बेनिफिट के। चलिए हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म की क्या बेनिफिट है। जितने भी बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जो बीमारी फैलाते हैं, आयरन कट्स आयरन, डायमंड कट्स डायमंड, जो बीमारी फैलाने का काम करता है मेडिसिन भी वही है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज, है ना, तीसरा पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स आ जाता है, है ना, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन, ठीक है, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, सिर्फ एंटीबायोटिक और वैक्सीन के ऊपर डिस्कस होगा। तो ये दवा बनाने का भी काम करता है, जैसे आप नाम सुना होगा पेंसिलिन, है ना, पेंसिलिन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, टेरामाइसिन, ये सब नाम हमने, ये एंटीबायोटिक्स है। तो ये तीसरे यूज है माइक्रोऑर्गेनिज्म की, जो बीमारी फैलाता है उसकी दवा भी वही है। फोर्थ काम की इसकी बढ़ाई की तरफ चलिए, इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। देखिए ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का भी काम करता है, देखिए कैसे, ये लेगुमिनस प्लांट है, इसके रूट में ट्यूमर होते हैं और इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है, बोलिए, राइजोबियम। ये राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, इसके बाद अगला वीडियो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन पे ही है। तो राइजोबियम जो है इसके रूट में होते हैं और ये नाइट्रोजन एनवायरमेंट से लेकर के ये प्लांट को देता है और प्लांट से फिर हम लोग को मिलता है। तो ये फर्टिलिटी भी बढ़ाने का काम करता है, और जब उस सॉइल जो इसको पेड़ को जब हटाएंगे तो इसके रूट जमीन में ही रह जाएंगे तो सॉइल फर्टिलिटी भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इट हेल्प्स इन, इट का मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म, इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, नाइट्रोजन को इधर से उधर करने में, सॉइल तक लाने में, एनवायरमेंट से सॉइल तक लाने में माइक्रोऑर्गेनिज्म का ही योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो ये डिस्टर्ब होगा। ये रहे पांचवें पॉइंट आपके। एक और पॉइंट ले लीजिए आप, एक दूसरा अगला पॉइंट ले लीजिए कि जरा गौर करिए कि को हर ऑर्गेनिज्म जो जन्म लेते हैं उनको मरना भी तय है, एकदम तय है, नो डाउट। तो जब मरेंगे एनवायरमेंट पे बहुत सारे डॉग, है ना,
कैट, जंगल में जाइए तो टाइगर, लायन, एलिफेंट, ये सब मरते हैं कि नहीं मरते हैं बताइए, मरते हैं। तो जितने कहा जाता है कि 8 लाख है ना, 8 लाख मिलियन ईयर पहले अर्थ का जन्म हुआ, इतने दिनों से कितने ऑर्गेनिज्म मरे होंगे, कितने ऑर्गेनिज्म जन्म लिए होंगे, तो जब ये ऑर्गेनिज्म मरेंगे तो इसको पृथ्वी पर से हटाना जरूरी है कि नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। तो जब हटाएगा फिर इसको कौन, हम लोग अब जंगल में सब लोग जाके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थोड़े ही जाएगा, तो इसको हटाने के लिए कोई ना कोई तो अर्थ पे मौजूद होगा जो उसको हटाएगा, तो हटा के लेके कहां जाएगा, कोई दूसरे प्लेनेट पे तो जाएगा नहीं, रहेगा इसी प्लेनेट पे। तो जब इसी प्लेनेट पे रहेगा तो फिर क्या करेगा उसका, उसको करेगा क्या, तो कहीं ना कहीं इसके फॉर्म को चेंज करेगा, फॉर्म को चेंज करेगा तो क्या करेगा, वो फूड के रूप में यूज कर लेता है। यानी हम जो 6 पॉइंट मेरा है, हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, है ना, एनवायरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट को साफ करने का काम करता है, क्लीन करने का काम करता है, कैसे, तो बाय डिकम्पोजिंग, ठीक है, डिकम्पोजिंग होगा इसमें, डिकम्पोजिंग होने से एनवायरमेंट की साफ सफाई होगी, हर ऑर्गेनिज्म एट लास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही फूड बनता है, समझ गए, इस अर्थ पे ह्यूमन इंटरफेयर ना हो तो हर ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही फूड बनता है। तो ये चीज डिकम्पोजिंग करने का काम कर किया, मान लीजिए कोई डॉग मर गया, महीने दो महीने उसको चट करके एक एक करके वो खत्म कर देगा। आप सैलून में गए होंगे, सैलून के पीछे रोज रोज एक एक बास्केट हेयर को फेंके जा रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू देखिएगा हेयर उतना ही का उतना ही है, उसकी जो हीप है वो बढ़ नहीं रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म चट करते जाते हैं धीरे धीरे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, कोई भी फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, कुछ हो फेंक दीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको चट करेगा, अगर ये चट नहीं होगा वो फूड नहीं बनाएगा, तो समझ लीजिए हमारे पूरे एनवायरमेंट गंदा हो जाएगा और हम पूरी उस गंदगी में रहेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही ये देन है कि हमारा एनवायरमेंट साफ सुथरा भी रहता है, गंदा तो हम लोग करते हैं, वो तो साफ करने का काम करता है, क्लियर। तो इसके 6 एडवांटेज है, इस 6 एडवांटेज को भी रखिएगा, अगर ये 6 एडवांटेज नहीं रहा तो समझिए एनवायरमेंट की ऐसी की तैसी हो जाएगी, है ना, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ इसकी शिकायत ही नहीं करिए, ये बहुत बड़ाई के भी पात्र है, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंटीबायोटिक वैक्सीन पे डिस्कस करेंगे, फिर हमारा डिस्कस होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन पे, नाइट्रोजन साइकिल बनाएंगे, और फिर पांचों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजी, उन सब के थोड़े से कमेंट्स लिखेंगे पांचों को एक एक पॉइंट करके, तो पांचों को दो दिन, नेक्स्ट हमारा 4 क्लासेज अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बचा हुआ है, इसको फिनिश करके हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मैं क्लियर दे दिया हूं, आप इस पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल नहीं करिएगा, नहीं रिसीव होता है, ठीक है, इस पर, और आप व्हाट्सएप करिएगा, हम जवाब दे देंगे, कमेंट्स कर दीजिएगा हम जवाब दे देंगे, नहीं तो जो ग्रुप में आप हैं उस पर आप पूछ लीजिएगा, हम जवाब दे देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि साइंस आपका वैसे ही कवर हो जैसे आपने 6 और 7 में कवर किया, ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय।